भारत रतन चौधरी चरण सिंह। सर, आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। अब वहीं अब जयंत चौधरी का एक स्टेटमेंट आया है कि मैं किस मुंह से मना करूं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्या जो लोकदल का जो वोट है, जिसे कहते हैं बेस्ट यूपी को जाट लैंड, वो परिवर्तन होते हुए आप देखते हैं अगर दोनों का गठबंधन होता है तो? पिछले कुछ दिनों से मीडिया में खबर चल रही थी कि लोकदल और भाजपा का गठबंधन चल रहा है। आज जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है और जयंत चौधरी ने कहा कि वो किस मुंह से मना करें, तो लोकदल की एक बहुत पुरानी मांग रही है, किसानों की मांग रही है, और चौधरी चरण सिंह किसानों के मजदूरों के नेता रहे हैं। इस से किसानों के और भाजपा के बीच जो दूरियां थी वो घटी हैं और लोकदल जो है इससे भाजपा के साथ आने में उसे बहुत आसानी रहेगी। तो क्या वोट परिवर्तन होते हुए आप देखते हैं? लोकदल एक ऐसा दल है जिसका वोटर सेंट परसेंट परिवर्तित होता है। लोकदल का जब जब जिसके साथ गठबंधन रहा है, लोकदल का कार्यकर्ता अपने दल को मजबूत से वोट देता है, तो मुझे लगता है कि लोकदल जो है भाजपा के साथ मजबूती से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश शिवाज है। अंकुश शिवाज जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले देखा गया था कि गठबंधन हुए थे लेकिन वोट ट्रांसफर की जो बात होती है कहीं ना कहीं वो कई बार समीकरण सही नहीं बैठते, जैसे जयंत चौधरी का बयान आया है, क्या आप देखते हैं अगर गठबंधन होता है तो वोट ट्रांसफर हो पाएगा? निसंदेह निश्चित रूप से लोकदल का जो वोटर है वो चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही भावनात्मक रूप से इस परिवार से जुड़ा हुआ है, और वो लोग तभी भी जब भी किसी के साथ भी दल के साथ उनका समर्थन हुआ है उन्होंने उसको अपना 100% वोट पूरी निष्ठा के साथ किया है। तो इस बार भी ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग बहुत लंबे समय से लंबित थी, ये आज भारत सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, तो इसका भी स्वागत करते हैं, और इसके साथ में ये वोट 100% जाट समाज की जो वोट है वो सब भाजपा की ओर अग्रसर होगी। वेस्ट यूपी की जब बात करते हैं तो सीधे जाट लैंड शब्द से जोड़ा जाता है, देख रहे हैं कि गुड़ की मिठाइयां बट रही, क्या ये गुड़ की मिठाइयां आने वाले समय में वोट के रूप में भाजपा को मिल पाएंगी? अधिकांशतः वोट भाजपा की तरफ ही जाएगा। तो आप देखते हैं कि जयंत चौधरी का ये कदम जो है उससे वोट ट्रांसफर हो पाएगा? वोट तो ट्रांसफर। तो क्या आप मानते हैं कि जो वोट ट्रांसफर की नीति है वो काम आएगी? जो मतलब जो वोट ट्रांसफर होने हैं, देखो वो तो जो चौधरी जयंत चौधरी जी हैं भाई उनके पीछे वोट तो हैं ही, और जो ये भारत रत्न की बात है तो ये तो हम पहले से ही मांग करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ बीजेपी ने ही कर दिया कि हाँ बीजेपी ने ही भारत रत्न दिया है। हमारे चौधरी साहब को आज भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, हम उसके लिए संपूर्ण किसान बिरादरी पूरा किसान सरदारी बहुत खुश है, आज पूरा खुशी का माहौल है। आज हर जगह आप देख भी रहे होंगे सड़कों पे जगह जगह आपको गुड़ बढ़ता मिलेगा, गांव में चले जाओ तो गुड़ के साथ मट्ठा और दूध भी मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, और विलय भी हुआ है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा है। तो जिस तरीके से युवाओं ने और यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी अगर जो भी फैसला लेते हैं, क्योंकि जो उनका पारंपरिक वोट है वो उसी तरीके से जयंत चौधरी के पीछे है, जयंत चौधरी जिधर भी जाएंगे वो जयंत चौधरी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे और उसी तरीके से वोट ट्रांसफर होगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है उससे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी जिसके भी साथ होंगे बेस्ट यूपी में, उन्हें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।